हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट धन एप्लीकेशन में है तो आप उसके होल्डिंग स्टॉक्स में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको लाइव मार्केट में अपने होल्डिंग स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने पंजाब नेशनल बैंक का एक स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको सारा प्रोसेस लाइव मार्केट में करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अपने होल्डिंग में स्टॉप लगाना आसानी से सीख सकें। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल को। तो यहां पर हमने मोबाइल में धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब इस धन एप्लीकेशन में आपको अपना पोर्टफोलियो देखना है। तो यहां पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन वॉच लिस्ट में चले जाना है। वॉच लिस्ट में आने के बाद यहां पर इन्वेस्टेड करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर अपने जितने भी होल्डिंग स्टॉक होल्ड करके रखे हुए वो यहां पर आपको इन्वेस्टेड में शो करेगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन से पूनम करके जो वॉच लिस्ट शो कर रहा है वो हमारा वॉच लिस्ट है, जो कि मैंने खुद बनाया था। और यहाँ पर जो इन्वेस्टेड के नाम से जो वॉच लिस्ट जनरेट है वो खुद ब खुद जनरेट हुआ है जब मैंने स्टॉक्स को होल्ड किया है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने होल्डिंग को और बारीकी से देखना, तो यहाँ पर धन वाले अकाउंट में पोर्टफोलियो में क्लिक कर लेना। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास स्टॉक्स में चले जाना। स्टॉक्स में आने के बाद यहाँ पास आप अपना होल्ड यहाँ पास भी देख सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक्स मैंने यहाँ पास होल्ड करके रखा हुआ है, तो आप इतनी आसानी से यहाँ पास देख सकते हैं। और शॉर्टकट तरीका आपका वॉच लिस्ट में जाकर इन्वेस्टेड में चले जाना। तो यहाँ पास भी आपका ये स्टॉक्स मतलब जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है वो यहाँ पास शो करेगा। अब आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना कैसे है? अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए अब जिस भी होल्डिंग में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सेल वाले बटन में क्लिक कर लेना है। सेल वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है? अब यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने इन्वेस्टिंग में बाय किया था तो इन्वेस्टिंग सेलेक्ट है। हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी देखी था तो एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अगर आप मैक्सिमम क्वांटिटी 10, 15, 20 ऐसा क्वांटिटी बाय करके रखे हैं, आप चाहते कि कम क्वांटिटी को सेल करना, तो आप कम क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पास आप क्वांटिटी को चेंजेस कर सकते हैं, आपका क्वांटिटी वेरिएबल है। उसके बाद ऑर्डर डिटेल्स में आपको यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में क्लिक कर लेना है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस में क्लिक कर लेना है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे? अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली यहाँ पास लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस फिल करना होगा। अब वो फिल करना कैसे है? जैसे कि भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस चल रहा है 122 रुपए 92 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 120 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 120 रुपए लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 120 रुपए लिख लूंगा। तो यहाँ पास मैं 120 रुपए लिख लेता हूँ। 120 रुपए लिखने के बाद अब यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा। अब आपको ट्रिगर प्राइस को कैसे चेंज करना है? अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए अब यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा रखना होता है, चाहे वो 10 पैसे का बड़ा हो, चाहे वो 5 पैसे का बड़ा हो, 50 पैसे फिर 1 रुपए का बड़ा हो, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा रखना ही है। तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 120 रुपए 10 पैसा लिख लूंगा। अगर मैं यहाँ पास 120 रुपए भी लिखता हूँ तो यहाँ पास मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा पाऊंगा। यहाँ पास आप देख रहे हैं नीचे में हमारा इंस्टेंट सेल का ऑप्शन यहाँ पास ब्लर है। वहीं अगर मैं इसको थोड़ा सा 0.1 का भी बड़ा करता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा रिटर्न सेल का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पास आप 10 पैसा 5 पैसा फिर 50 पैसा, लेकिन थोड़ा बड़ा रखना ही होगा ट्रिगर प्राइस को अपने लिमिट प्राइस से स्टॉप लॉस लगाते टाइम। ये बात आपको ध्यान रखना है। लिमिट प्राइस लिखा 120 रुपया, ट्रिगर प्राइस को लिख रहे 120 रुपया 10 पैसा। उसके बाद मैं यहाँ पास इंस्टेंट सेल में क्लिक कर दूंगा। इंस्टेंट सेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पास आपको अगर आपने अपना टिपिन जनरेट नहीं किया है तो आपको टिपिन जनरेट कर लेना है। और टिपिन कैसे जनरेट करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। आपको यहाँ पास होल्डिंग को सेल करने के लिए या फिर स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको टिपिन के द्वारा वेरीफाई करना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पास टिपिन के द्वारा वेरीफाई करना होता है। यहाँ पास मैंने टिपिन जनरेट करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ पास सेल विथ ईडीएस में क्लिक कर लूंगा। सेल विथ ईडीएस में क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पास हमें वेरीफाई होल्डिंग एंड डीमैट में टिपिन में क्लिक करके मतलब राइट टिक करके ट्रांसफर टू सीडीएसएल फॉर अप्रूवल में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास हम इंटर टिपिन डालकर अपना वेरीफाई कर लेना है होल्डिंग को। अगर आपने टिपिन जनरेट अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पास आपको क्लिक हियर करके टिपिन जनरेट कर लेना है। और अगर आपको जनरेट करना नहीं आ रहा है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, तो आप हमारे चैनल के धन ऐप वाले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पास अपना टिपिन डालकर वेरीफाई कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पास अपना टिपिन डाल लिया है, उसके बाद वेरीफाई बटन में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फिर से हमारे मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को फिर से फिल करके हमें वेरीफाई कर देना है। ओटीपी डालने के बाद अब मैं यहाँ पास फिर से वेरीफाई बटन में क्लिक कर दूंगा।
वेरीफाई बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारा होल्डिंग वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पास हमारा लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों डाला हुआ है। फिर से मैं यहाँ पास इंस्टेंस सेल में क्लिक करूंगा तो यहाँ पास मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो दोस्तों आपको होल्डिंग अपने स्टॉप लॉस लगाने के लिए टिपिन डालकर आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आपने टिपिन जनरेट नहीं किया है तो आपको सबसे पहले टिपिन जनरेट कर लेना है। आप हमारा वीडियो देखकर टिपिन जनरेट कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां आप जाकर टिपिन जनरेट कर लेना। तो यहाँ पास हमारा इस प्रकार से स्टॉप लॉस लग चुका है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं, मतलब पेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर। जो भी आप स्टॉप लॉस पे टारगेट ऑर्डर लगाते हैं जो कि एग्जीक्यूटेड नहीं होता है वो पेंडिंग ऑर्डर में शो करता है। तो यहाँ पास आपको पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब जैसे कि हमारे स्टॉप लॉस लगा हुआ था पहले 120 रुपए के लिए, उसको मैं मॉडिफाइड करना चाहता हूँ 121 रुपए के लिए। मतलब कि जब भी यूनियन बैंक का प्राइस गिरकर 121 रुपए तक आएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को सबसे पहले चेंज करूंगा, उसके बाद ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करूंगा। तो मैं यहाँ पास सबसे पहले लिमिट प्राइस को चेंज कर लेता हूँ। मैं लिमिट प्राइस को लिख लूंगा 121 रुपया। उसके बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा इंस्टेंट सेल का ऑप्शन ब्लर हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से छोटा है। तो हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा करना होगा। तो मैं इसको भी 121 रुपया 10 पैसा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं इंस्टेंट सेल का ऑप्शन यहाँ पास ओपन हो चुका है। फिर से हम यहाँ पास इंस्टेंट सेल में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं जो पहले 120 रुपए के लिए लगा हुआ था वो अब 121 रुपए के लिए मॉडिफाइड हो चुका है। तो एकदम ही आसानी से आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको कैंसिल करना कैसे? आपको सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर वाला ऑप्शन कैंसिल में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको राइट टिक में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले हमारा ये ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा था वो अब ऑर्डर कैंसिल में शो कर रहा है और ट्रिगर पेंडिंग की जगह यहाँ पास कैंसिल करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने होल्डिंग में स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड करके आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पास आप ये मत समझिएगा स्टॉप लॉस कैंसिल करने के बाद हमारा होल्डिंग स्क्वायर अप तो नहीं हो चुका है। तो मैं यहाँ पास आपको फिर से मैं इन्वेस्टेड में लेकर चलता हूँ। यहाँ पास आप देख रहे हैं इन्वेस्टेड में अभी भी हमारा होल्डिंग यहाँ पास पड़ा हुआ है, मतलब कि हमारा होल्डिंग स्क्वायर अप नहीं हुआ है। मैं यहाँ पास पोर्टफोलियो में भी लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद आप यहाँ पास स्टॉक्स में आएंगे तो यहाँ पास आप देख रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक्स अभी भी हमारा होल्ड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने होल्डिंग में स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड करके कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो को लगी हो तो मन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।